बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे, पार्ट वन केमिस्ट्री का। इट इज केमिकल काइनेटिक्स, चैप्टर नंबर 11। केमिकल काइनेटिक्स क्या हुआ है? काइनेटिक्स आपको पता है मोशन से रिलेटेड है, और केमिकल जो है वो केमिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड है, केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड है। तो ये वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें आप स्टडी करते हो रेट ऑफ रिएक्शन को, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन को, स्पीड ऑफ रिएक्शन को, और ऐसे फैक्टर जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेक करते हैं उनको स्टडी करते हो। तो दो चीजें हम स्टडी करते हैं केमिकल काइनेटिक्स में। नंबर वन, रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी करते हैं या स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन को स्टडी करते हैं, और दूसरा हम फैक्टर्स को स्टडी करते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को जो है वो वेरी करते हैं, चेंज करते हैं, जैसे कंसंट्रेशन है, टेम्परेचर है। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या है? इट डील्स विद द रेट ऑफ रिएक्शन एंड द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन? सब जो है को पता है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन एक ऐसा जिसमें पुराने बॉन्ड जो है वो टूटते हैं और नए बॉन्ड जो है वो बनते हैं। सो इन अ केमिकल रिएक्शन इट इज अ प्रोसेस इन विच ओल्ड बॉन्ड ब्रेक्स एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन अकॉर्डिंग टू केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल रिएक्शन तीन तरह के हैं। एक वेरी फास्ट, जो बहुत ज्यादा तेज है, जैसे सॉल्यूशंस में रिएक्शन होते हैं। नंबर टू, जो बहुत स्लो है, वेरी स्लो रिएक्शंस, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन है। एंड नंबर थ्री, मॉडरेट रिएक्शंस, जो इनके दरमियान होते हैं, जो मॉडरेट होते हैं, जैसे एस्टरिफिकेशन है, एस्टर फॉर्मेशन है। ठीक है, तो तीन तरह की केमिकल रिएक्शंस है विद रिस्पेक्ट टू केमिकल काइनेटिक्स। एक ऐसे रिएक्शन जो बहुत तेज है, जैसे सॉल्यूशन में रिएक्शन जो है वो बहुत तेज होते हैं। दूसरे ऐसे रिएक्शन जो बहुत स्लो है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन या लोहे को जंग लगना। और तीसरी तरह का रिएक्शन है जिसमें जो मॉडरेट रेट पे होते हैं, जिन जो ना ज्यादा तेज है ना ज्यादा स्लो है, जैसे एस्टरिफिकेशन है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन इज बेसिकली, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर, इट इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि रिएक्टेंट्स की जितनी कंसंट्रेशंस कम होनी है, प्रोडक्ट्स की उतनी ही कंसंट्रेशंस बननी है। तो आर इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर दिस चेंज, डेल्टा टी। सो रेट ऑफ रिएक्शन इज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम और विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, इसके अब ग्राफिकली इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं? अगर हम कंसंट्रेशन जो है वो वाई एक्सिस में, हमारे पास एक सिंपल रिएक्शन है जिसमें ए रिएक्टेंट है, ये कन्वर्ट हो रहा है बी प्रोडक्ट में, तो फिर हमारे पास जो है वो एक ग्राफ बनता है। ए की कंसंट्रेशन, क्योंकि ये ए रिएक्टेंट है तो इसकी कंसंट्रेशन, ये स्क्वायर ब्रैकेट से चैप्टर नंबर 8 में हम पढ़ चुके हैं, ये मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन भी हम इसको जो है वो आगे करेंगे कि कैसे चेंज इन कंसंट्रेशन जो है वो इफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। अब देखो, कंसंट्रेशन ए की मैक्सिमम है जब टाइम जो है वो 0 सेकंड्स है। जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हुआ, कंसंट्रेशन जो है वो ए की कम होती गई रिएक्टेंट की और बी की बढ़ती गई, बी प्रोडक्ट है। तो आपको रिएक्टेंट के लिए फॉलिंग कर्व मिली क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है, जितनी कम हो रही है उतनी ही प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। टाइम ऐसा आएगा जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो मिनिमम होंगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो मैक्सिमम होंगी। ठीक है, तो आप ये हम कैसे चेंज इन कंसंट्रेशन कितनी हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन, ये हमें रिएक्शन बताएगा कि 1 सेकंड में कितने रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हुए, या 2 सेकंड्स में कितने कन्वर्ट हुए, 3 सेकंड्स में कितने कन्वर्ट हुए। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, अब रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट आपको पता है, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर दिस चेंज। चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन हम मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर में लेते हैं, और टाइम का आपको पता है यूनिट सेकंड होता है। तो इसके रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट क्या होंगे? मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर पर सेकंड। टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। नंबर वन इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, एंड अदर वन इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ये दोनों
जो है ये टाइप से रेट ऑफ रिएक्शन की इंस्टेंटेनियस रेट एंड एवरेज रेट। इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, किसी भी इंस्टेंट पे एट एनी इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन और चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट एनी बिटवीन एनी इंटरवल ऑफ टाइम इन इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट। किसी भी इंस्टेंट पे एक इंटरवल में किसी भी इंस्टेंट पे जो जो कंसंट्रेशन जो है वो चेंज हो रही है उसे आप इंस्टेंटेनियस रेट कहते हो। एवरेज रेट है दो स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स के दरमियान जो है वो चेंज कितनी आ रही है उसे आप एवरेज रेट कहते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट को आप ऐसे लिख सकते हो इट इज इक्वल टू डिस्क्रीट चेंज इन कंसंट्रेशन, लाइक यहाँ पे हम ए लिख देते हैं डिवाइडेड बाई डिस्क्रीट चेंज इन टाइम। ए जो है वो रिएक्टेंट के लिए एवरेज रेट क्या होगा, एवरेज रेट इट इज इक्वल टू वही वाली चीज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो शुरू में इंस्टेंटेनियस रेट आपने याद रखना है एट द बिगिनिंग ऑफ द रिएक्शन। अगर मैं इस इंस्टेंट पे रेट ऑफ रिएक्शन चेक करना चाहूं तो ये बहुत ज्यादा है। तो शुरू में एट द बिगिनिंग ऑफ द रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इज वेरी फास्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम। अगर मैं यहां इस इंस्टेंट पे रेट ऑफ रिएक्शन इंस्टेंटेनियस रेट फाइंड आउट करूं तो वो बहुत कम होगा। तो इंस्टेंटेनियस रेट शुरू में ज्यादा होता है, लास्ट पे रिएक्शन में कम हो जाता है, और जो एवरेज रेट है इसका उल्टा है, शुरू में वो कम होता है और लास्ट पे ज्यादा होता है। तो ये दो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन की टाइप्स थी। अब बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड, दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज एवर चेंजिंग पैरामीटर। हर टाइम पे हर वक्त जो है वो चेंज हो रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन। इसकी क्या वजह है, इसकी वजह यही है, हमें आपने इसकी वजह जो है वो बतानी है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। आपको पता है लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो हमारे पास रिएक्टेंट ए ही है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है फर्ज करें ए के जो है वो प्रोपोर्शनल, तो ए की कंसंट्रेशन जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देख रहे हो ए की कंसंट्रेशन कम हो रही है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिक्रीज होगा। जैसे जैसे रेट जो है जैसे जैसे टाइम पास करता जाएगा रेट जो है वो कम होता जाएगा, बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन व्हिच वाज गिवन बाय गुलबर्ग एंड वेज। तो ये इस वजह से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हर जो है वो टाइम पे चेंज हो रहे हैं। तो व्हाट इज स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, स्पेसिफिक रेट और स्पेसिफिक वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अब स्पेसिफिक रेट और स्पेसिफिक वेलोसिटी इज आल्सो नोन एज कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट है। अब बेसिकली अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ रिएक्शन फर्ज करें हमारे पास दो रिएक्टेंट है ए और बी, वो कन्वर्ट हो रहे हैं इनटू सी एंड डी प्रोडक्ट। रेट ऑफ रिएक्शन इट इज इक्वल टू के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए into concentration of B. For more general reaction, अगर आप A moles A के लिए small B moles B के, तो ये C moles C के और D moles D के बनेंगे। तो A की concentration according to law of mass action इसकी power small A और इसकी power small B आ जाएगी। अब अगर concentration first करें A की concentration जो है वो 1 mole per cubic decimeter है, इस तरह B की concentration भी 1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर है, इसका मतलब है रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशंस जो है वो यूनिटी है। तो फिर इधर आप 1 पुट करोगे तो R किसके इक्वल आ जाएगा, R इज इक्वल टू K इनटू 1 पार A इनटू 1 पार B, तो R किसके इक्वल आ जाएगा K के। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेलोसिटी कांस्टेंट और स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, हियर K इज स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट व्हेन कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स आर यूनिटी। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स अगर यूनिटी हो तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्पेसिफिक वेलोसिटी कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के जो है वो इक्वल हो जाता है। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट किसी भी रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक होता है, सो इट इज स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन, हर रिएक्शन का अपना होता है, फॉर ए रिएक्शन इट इज स्पेसिफिक। एंड नंबर टू, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़े हैं, ये स्पेसिफिक होता है, इट इज इंट्रिंसिक मेजर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ये हमें बताते हैं वेदर k की वैल्यू अगर लार्ज होगी स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की या स्पेसिफिक वेलोसिटी कांस्टेंट की वैल्यू अगर लार्ज है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है, और अगर k की वैल्यू स्मॉल है तो फिर
जो है रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्लो है. इफ के इज लार्ज, के लार्ज होगा तो फिर क्या होगा, आर इज फास्टर. और अगर के जो है वो स्मॉल होगा, अगर के स्मॉल है तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्लो है, वो स्लो होगा, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा. इस तरह से के और के जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे. टेम्परेचर को कम करने से या ज्यादा करने से ये चेंज हो जाता है. तो ये हमारे पास आज इंट्रोडक्शन था केमिकल काइनेटिक्स का. एक दफा मैं आपको दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ. केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री की कैसी ब्रांच है जो डील करती है रेट ऑफ रिएक्शन से और फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, जैसे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, जैसे कैटलिस्ट, जैसे और बहुत सारी चीजें. दूसरे केमिकल रिएक्शन क्या, केमिकल रिएक्शन ऐसा प्रोसेस है जिसमें पुराने बॉन्ड्स जो है रिएक्टेंट्स के वो टूटते हैं और नए बॉन्ड्स जो प्रोडक्ट्स में बनते हैं. टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन विद द रेफरेंस टू केमिकल काइनेटिक्स, वेरी फास्ट, वेरी स्लो और मॉडरेट. वेरी फास्ट रिएक्शन जैसे सॉल्यूशन में रिएक्शन हो जाते हैं, वेरी स्लो रिएक्शन जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन को संलग्नना, और मॉडरेट रेट पे जो रिएक्शन होते हैं जैसे स्टेरिफिकेशन पे. रेट ऑफ रिएक्शन R is equal to change in concentration of reactant or product divided by delta T time taken. So it is change in concentration of reactants or products with the passage of time with respect to time. अगर फर्ज करें हमारे पास ग्राफिकली इसको कैसे एक्सप्लेन करें, आप एक ग्राफ प्लॉट करेंगे. फर्ज करें हमारे पास ए रिएक्टेंट है और बी प्रोडक्ट है. ए की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगी, बी की मिनिमम होगी जब टाइम 0 सेकंड होगा. जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगा ए की कंसंट्रेशन कम होगी, बी की ज्यादा होगी. और जो है शुरू में रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बहुत तेज होगा. जैसे जैसे टाइम पास करेगा रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्लो होता जाएगा. रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट है मोल पर क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड. दो तरह के रेट ऑफ रिएक्शन है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. एक इंटरवल में, एक इंटरवल के दौरान किसी भी इंस्टेंट पे अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर रहे हो तो दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. इट इज रिप्रेजेंटेड एज डिस्क्रीट चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. और ये जो होता है ये शुरू में इंस्टेंटेनियस रेट शुरू में ज्यादा होता है. विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे रिएक्शन कंप्लीट होता जाता है इंस्टेंटेनियस रेट कम हो जाता है एवरेज रेट से. एवरेज रेट है दो टाइम इंटरवल्स के दरमियान जो आप रेट कैलकुलेट करते हो उसे आप जो है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहते हो. ये शुरू में कम होता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम ज्यादा होता है. रेट ऑफ रिएक्शन एवर चेंजिंग पैरामीटर है. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ रिएक्शन जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तो द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. तो क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाती है, इस वजह से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्लो होता जाता है और हर इंस्टेंट में चेंज होता है. स्पेसिफिक रेट कॉन्स्टेंट क्या है, स्पेसिफिक रेट कॉन्स्टेंट और स्पेसिफिक वेलोसिटी कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर यूनिटी. फर्स्ट करें हमारे पास ए मोल्स ए के हैं, बी मोल्स बी के हैं, दे रिएक्ट टू फॉर्म सी मोल्स ऑफ सी एंड डी मोल्स ऑफ डी. देन रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन इज इक्वल टू के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए पार ए कंसंट्रेशन ऑफ बी पार बी. इफ वी हैव कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी यूनिटी देन आर इज इक्वल टू के. सो इट डिफाइन as rate of reaction is equal to the specific rate constant when the concentration of reactants is unity. इसकी specific rate constant की characteristic से ये किसी reaction के लिए specific होता है. ये intrinsic measure है rate of reaction का. ये अगर large हो तो rate of reaction ज्यादा है, अगर ये small हो तो rate of reaction slow है. ये हमें जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि ये टेम्परेचर पे जो है वो डिपेंड करता है. टेम्परेचर के बढ़ने से ज्यादा होता है, टेम्परेचर के कम होने से कम होता है. होप आपको आज का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आया होगा. केमिकल काइनेटिक्स का इंट्रोडक्शन था. नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है उसको डिस्कस करेंगे. कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा आज के लेक्चर के बारे में. थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.